नदी जिले श्रीगंगानगर में दिन और रात के तापमान में आई गिरावट के बाद ठंड बढ़ गई। साथ ही श्रीगंगानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा भी देखने को मिल रहा। कोहरा खेतों में खड़ी रबी की फसल के लिए तो फायदेमंद है, इसके साथ ही ठंड बढ़ने के साथ साथ आम लोगों का डेली रूटीन भी बदलने लगा। अलाव का सहारा लेते हुए भी लोग दिखाई दिए। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर बदले हुए मौसम का जायजा लिया हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। के सरहदी जिले श्री गंगानगर में इन दिनों दिन और रात के तापमान में गिरावट होने के साथ ही ठंड के तेवर भी तीखे होने लग गए हैं। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के रविंद्र पथ पर ही मौजूद है और यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर तो कोहरा इतना घना नहीं है, लेकिन शहर से हम बाहर निकलेंगे तो ये कोहरा काफ़ी घना हो जाता है और घना कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। आपको मैं रविंद्र पथ के नज़ारे दिखा रहा हूँ। रविंद्र पथ से आप ये देखिए कि इस समय विजिबिलिटी का तो कोई खास प्रभाव नहीं है, लेकिन ठंड पड़ने की वजह से, टेम्परेचर गिरने की वजह से जो लोगों का रूटीन था वो पूरी तरह से बदल कर रह गया है। अब लोग घर से बाहर निकलते समय पूरी तरह से पैक रहते हैं और पैक रहकर ही घर से बाहर निकलते हैं ताकि इस बदलते हुए मौसम की चपेट में आने से बचा जा सके। हमारे साथ यहाँ कुछ यात्री मौजूद हैं जो इस समय श्री गंगानगर पहुँचे हैं, हम इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय मौसम कैसा है। सर आप कहाँ से आ रहे हैं? सर आज हम दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा, दिल्ली से आ रहे हैं, तो आपने तो पूरा इंतजाम किया हुआ है ठंड से बचने। ठंड है ज़्यादा, इस कारण कर रखा है। अच्छा, कैसा है इन दिनों ठंड का, कैसा है मामला? ठंड का ज़्यादा गिरावट आ रही है इसलिए हम तो लेके चल रहे हैं, पूरा इंतजाम करके। ठंड है, बहुत ठंड है दिनों में। अच्छा, पूरा इंतजाम किया हुआ है आपने तो? करना पड़ता है इंतजाम। अच्छा, सर्दी बचने के लिए तो। अच्छा, तो आप कहाँ जाएंगे? अभी हम घरसाना जाएंगे। अच्छा, घरसाना जा रहे हो आप। तो बाबूजी, ये जो मौसम है इस समय कोहरा पड़ रहा है, टेम्परेचर डाउन है, ये मौसम फसलों के लिए कैसा है? किसके लिए? फसल के लिए। फसल के लिए ठीक है। अच्छा, बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया है। गेहूं तो बहुत बढ़िया होगा। हाँ, जो सरसों है, सरसों में थोड़ी हो सकता है अगर ज्यादा कोहरा हो जाए तो। अच्छा, अभी तक ठीक है? अभी तक ठीक है। गेहूं और चने के लिए? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, किन्नू और गाजर के लिए? किन्नू के लिए, गाजर के लिए बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। यदि अब ज्यादा टेम्परेचर गिरता है, तो जमने लगती है, तो नुकसान होगा? तो सरसों को नुकसान होगा, दूसरा का नहीं होगा। दूसरा कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं होगा। जो किसान है वो तबका काफी खुश नजर आ रहा है क्योंकि इस समय खेतों में रबी की फसल है, गेहूं है, चना है, सरसों है, उसके लिए ये मौसम काफी फायदेमंद होता है। ये बात करें किन्नू और गाजर की, तो किन्नू और गाजर को भी ये मौसम बहुत लाभदायक होता है और उसकी मिठास बढ़ाने में खास कारगर काम करता है। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्रीगंगानगर। उधर